मेरा नाम शारिक मसूदी है, मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ, श्री कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। और आजकल जो आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो कोविड का ये पेंडेमिक चल रहा है उसके साथ जो इश्यूज आए हैं वो भी आपको पता है, कॉम्प्लिकेशन जिनको होता है, इनकी बेसिक प्रॉब्लम कोविड तो है ही, लेकिन इनकी कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो जाती है क्योंकि इनको कोई अंडरलाइंग कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, उसमें सबसे नुमाया है एक एज, ओल्डर द पर्सन मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉम्प्लिकेशन, इनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, खासकर जो ओबेसिटी मोटापा और डायबिटीज़ है, ये मरीज़ इनमें काफ़ी पीचीदियाँ होती है, लेकिन ये वो मरीज़ हैं जो इससे बच सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी डायबिटीज़ है, आपका ओवरवेटनेस है, तो आपको पहले ही इसका थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन आप वैक्सीन भी किया आपने या नहीं किया और मास्क भी किया फिर भी हो गया इन्फेक्शन, तो ऐसे मरीज़ जिनको ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशन है, खासकर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, उनको ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। देख लेना है कि बहुत से मरीज़ तो वैसे ही घर में ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनका मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अपनी पल्स रेट देखनी है, आपको ऑक्सीजन लेवल देखनी है। आजकल जो ऑक्सीमीटर फ्रीली अवेलेबल हैं गवर्नमेंट देती है, ऐसे भी लोगों को वो हर जगह दस्तियाब हैं, तो उसमें आपको हार्ट रेट मिल जाती है और आपको अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन मिल जाती है, वो होनी चाहिए 90 से ऊपर। और अगर आपको शुगर की पहले से टेंडेंसी है, फैमिली में शुगर है, या अगर आपको और भी पता है कि आपका वेट ज़्यादा है, आपके रिस्क है डायबिटीज़ का, तो शुगर भी आपको मॉनिटर करना है। तो ज़रूरत है कि आप जैसे आप मॉनिटर करेंगे, जैसे आपको पता चल गया आपको शुगर बढ़ रहे हैं, तो पहले तो बढ़ने नहीं देना, लेकिन शुगर बढ़ गई तो उसका एकदम इलाज करना है। इलाज क्या है, फार्माकोलॉजिकल है और नॉन फार्माकोलॉजिकल है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम बोलते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल मेजर्स, क्योंकि हम देखते हैं कि जो शुगर है ये बनता है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट मीन स्टार्च। स्टार्च जो होता है जो हम खाते हैं खाना, जैसे रोटी हो, चावल हो, या फ्रूट्स हो, या बिस्किट्स, बेकरी, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज, वो ग्लूकोज सीधे आपकी ब्लड में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज है मीन्स आपको इंसुलिन तो या है ही नहीं, या इंसुलिन कम है, या इंसुलिन काम नहीं कर रही है, तो आपको एकदम शुगर बढ़ जाएगा। तो आजकल जो हम घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन में हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है, इसलिए हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम है। तो इसलिए हमें वही खाना खाना है जिसमें हमें प्रोटीन्स मिले, वाइटामिन्स मिले, एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, मिनरल्स मिले, फाइबर मिले, लेकिन एनर्जी जिस जो ग्लूकोज से आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है या फैट से आती है, वो एनर्जी हमें अभी बहुत कम चाहिए। तो ये खाने आपको एकदम कम करने हैं। जैसे आपको लगा है कि शुगर की टेंडेंसी है या शुगर बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करना है। ऐसे जो हमारा डाइट होता है उसमें 70-80% कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन हम डायबिटीज़ वाले के लिए कहते हैं कि उसका कार्बोहाइड्रेट कम जो रेशियो है, तनासुब है, वो होना चाहिए लेस देन 45% ऑफ द टोटल कैलोरीज। मान लो आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, वैसे मेरे हिसाब से आजकल डायबिटीज़ के लिए 1500 कैलोरीज काफ़ी है, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, तो 1500 में से आपकी कार्बोहाइड्रेट इनटेक 700 कैलोरीज से कम होनी चाहिए, लेस देन हाफ ऑफ दैट। तो इस तरह आप जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है 4 कैलोरीज, मीनस 700 का मतलब है आपकी टोटल 24 घंटे में कार्बोहाइड्रेट 175 ग्राम होनी चाहिए। तो हर फूड पे जो लिखा होता है कि आप नेट पर भी मालूम कर सकते कि किस फूड में कितना कार्बोहाइड्रेट है, आप जैसे मार्केट से लाएंगे या आप नेट से देख सकते हैं कि ये फूड जो मैं ले रहा हूँ इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट टोटल आपका 175 ग्राम होना चाहिए मैक्सिमम 24 घंटे में। दूसरा जो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम बोलते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं और उनमें एकदम शुगर लेवल नहीं बढ़ती है। दूसरे हो गए रिफाइंड कार्ब्स जिसमें शुगर है, शुगर ड्रिंक्स हैं, राइस है और व्हीट प्रिपरेशन है या बेकरी है, ये शुगर एकदम एब्जॉर्ब होता है। तो ये रिफाइंड कार्ब आपने आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं जितना पॉसिबल हो उतना। जो भी कार्ब लेंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब होंगे, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब कैसे ले सकते हैं, एक जैसे हम होल व्हीट या होल राइस जो ग्रेन्स होते हैं उनमें फाइबर साथ होता है, एक वो तरीका है। दूसरा है कि राइस के साथ आप ऐसा चीज़ मिलाएं जिसमें फाइबर हो, जैसे आप कोई सब्जी मिला सकते हैं, कॉलीफ्लावर मिला सकते हैं, या राजमा या दाल मिला सकते हैं,
उससे फाइबर कंटेंट उसमें बढ़ जाएगा तो वो स्लोली एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो एक वो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीका है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करनी है। दूसरा है आपको एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है। अब आप बाहर तो निकल नहीं सकते, तो घर में भी आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी जो आप ले रहे हैं वो यूटिलाइज होगी, अदरवाइज ये शुगर बढ़ जाएगा। तो आप कौन सी एक्टिविटी घर में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आपको देखना है। जैसे वॉकिंग कर सकते हैं आप, स्टेयर्स अप डाउन कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, आप नेट पर भी देख सकते हैं, स्टैटिक साइकिल कर सकते हैं जिससे आप एक्टिविटी भी करेंगे और घर में भी सेफ रहेंगे। तो अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स फेल हो गए तो फिर फार्माकोलॉजिकल मेजर्स पे आ जाता है। तो जो ऑलरेडी दवाइयाँ खा रहे हैं ओरल डायबिटीज ड्रग्स, उनका अगर डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट है तो वो डॉक्टर को आपने कॉन्टैक्ट करेंगे, उनको सही बताएंगे कि कौन सी दवाई इनके लिए सही रहेगी। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो ओरल टैबलेट्स हैं वो उसका डोज बढ़ा सकते हैं। अगर वो पूरा डोज नहीं ले रहे हैं, जैसे किसी की 4 टैबलेट ले रहे हैं, वो 1 टैबलेट ले रहे हैं, तो वो डबल कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब स्टीरॉयड हो और आदमी का ऐसी ओवरवेट हो तो उधर से एक्टिविटी भी नहीं हो तो शुगर इतने हाई हो जाते हैं कि टैबलेट्स इसमें कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसमें अक्सर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अब इंसुलिन कितना देना है, कैसे देना है, वो आपको उसके लिए अपने जो डॉक्टर है या जो करीबी हेल्थ सेंटर है या सोरा भी आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आप अपने कितना इंसुलिन करना है, कैसे करना है, वो ले सकते हैं।